वेलकम स्टूडेंट्स, बेटा आज आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करेंगे। और बेटा अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो पूरा चैप्टर करते हुए आप में एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा और एक हर चीज का पता होगा कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है बेटा, आइए स्टडी करें। बेटा देखिए, बेटा आप पहले से जो चीजें जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल तब होता है जब उसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है हम उसको एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज, और सबसे लॉन्गेस्ट होती है। एच हाइपोटेन्यूज और लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, आप कभी बना के भी देख लेना राइट ट्राइंगल और मेजर कर लेना, इससे लंबी साइड कोई नहीं है, थ्री है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद ये जो साइड सी डी खड़ी होती है इसको हम हमेशा से परपेंडिकुलर कहते आए हैं, और ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं। गॉट इट? तो वर्टिकल मींस खड़ी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल मींस जो स्लीपिंग पोजीशन में है। देन अब और क्या चीज हमने सीखी थी? एक सीखी थी हमने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम ये कहते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये वाली एच, अगर हम इसका स्क्वेयर करें, ओके, और इन दोनों साइड का भी स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें, इन दोनों साइड का स्क्वायर करके प्लस कर दें, तो ये जो वैल्यूज हैं दोनों इक्वल आएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती थी। अभी कब यूज करते थे हम इसको? थ्री साइड्स हैं हमारे पास, एच, पी और बी। जब भी हमें कोई भी दो दे दें, जैसे पी दे दिया, बी दे दिया और एच की जरूरत पड़ गई, तो हम पाइथागोरस का यूज करके निकाल लेते थे। कोई भी दो, पी और एच दे दें, बी निकालना हो तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आप आ जाइए जो अब हमने इस क्लास में नया सीखना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या है? बेटा देखिए, परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड। क्या कहना चाहता हूं, मान लो ये एक रोड है, ये राइट ट्राइंगल ही है बेटा, ध्यान देना, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, ये एक रोड है। ठीक है, आप इस रोड पे इस पोजिशन पे खड़े हो, आपके सामने ठीक एक बिल्डिंग है, आपको पता है ना ग्राउंड पे बिल्डिंग बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे खड़ी होती है। ये बिल्डिंग हो गई, यानी ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका रोड। आपकी पोजीशन क्या है? ये वाली पोजीशन। क्लियर? तो आपके जो बिल्कुल सामने है बिल्डिंग, आप उसको परपेंडिकुलर कहोगे, यानी क्योंकि बिल्डिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, आप बोलोगे मेरे सामने बिल्डिंग खड़ी हुई है वो परपेंडिकुलर है, और जिस चीज पे आप खड़े हो वो है बेस। क्लियर? अब आप आ जाओ, मान लो अगर ये रोड हो जाए, तो ये रोड है, आप इस पोजीशन पे खड़े हो। क्लियर? ठीक है, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो आप बोलोगे भाई मेरे सामने तो मुझे ये नजर आ रही है लाइन, ये वाली विच इज बिल्डिंग। अगर ये रोड है तो ये बिल्डिंग इस रोड पे सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बन गई, और जिस रोड पे आप खड़े हो वो बन गया बेस। तो क्या फिक्स है? परपेंडिकुलर तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? किस पॉइंट के एंगल से आप कंसीडर कर रहे हो? आप इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, और जिस पे आप खड़े हो वो बेस। अगर इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हो तो ये बेस हो गया जिस पे आप खड़े हो, और ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ये इंटरचेंज होती है। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, वो फिक्स है। आइए अब इसको ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करें। आप जरा बेटा एक दो साइड्स पे ध्यान देना, ये भी राइट ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं कुछ बताने के लिए आपको। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट करो। मैंने परपेंडिकुलर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हाइपोटेन्यूज को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। क्लियर? क्यों किया? क्या दिखाना चाहता हूं मैं आपको? मैं दिखाना चाहता हूं आप इस एंगल को नोटिस करो। ठीक है, अभी मैं बेस की बात नहीं कर रहा, बेस को मत देखना। ये एंगल बड़ा था बेटा, एंगल कैसे पता लगता है बड़ा था? ये एंगल है और ये एंगल इस तरह का हो जाए तो ये छोटा, ये बड़ा एंगल। ठीक है, अब आप देखो ये बड़ा एंगल है, ये उसके कंपेटिवली मान लो ये 60 है तो ये हो सकता है 50 डिग्री हो, छोटा हो गया एंगल। यानी पी और एच की लेंथ को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो इस थीटा पे इंपैक्ट आता है, मैं ये बताना चाहता हूं। क्लियर? तो पी और एच मिलकर थीटा पे इंपैक्ट डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बी और एच मिलकर इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे? ध्यान दो जरा, अब देखना ये थीटा एंगल है, ये बेटा 90 ही है, ये थीटा एंगल है बी और एच। बी को देखो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, क्लियर, और एच पे भी मैंने कुछ इंपैक्ट डाला है। ठीक है, तो अब इस एंगल में डिफरेंस देखना,
फर्क आया, मान लो ये 45 डिग्री है तो हो सकता है 30 डिग्री हो गया हो। यानी जब भी हम कोई भी दो लेंथ को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका एंगल पे इंपैक्ट आएगा। तो P बाय एच का थीटा पे इंपैक्ट आता है, ऐसे B और H जो होते हैं उनका भी थीटा। बेटे थीटा बताना भूल गया मैं, आप बेटे थीटा क्या होता है? जब कोई एंगल हमें ना पता हो तो हम उसे थीटा से डिनोट करते हैं, नहीं लेते हम एंगल को जब भी नेमिंग करते हैं थीटा से करते हैं, सिंपल वे, ठीक है। ऐसे P और H मिलके भी इंपैक्ट डाल सकते हैं, B बाय एच भी डाल सकते हैं, और एक और है P और B, यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों मिलके भी तो डाल सकते हैं इंपैक्ट। यानी साइड्स की लेंथ का एंगल्स के साथ रिलेशन होता है, जैसे जैसे आप साइड्स की लेंथ को डिस्टर्ब करोगे एंगल डिस्टर्ब होगा, और अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो साइड्स की रेशियो पे साइड्स पे इंपैक्ट आएगा। गॉट इट? अब जब भी हम दो लेंथ को, अब पहले इसको उठाते हैं, जब भी हम दो लेंथ को स्टडी करते हैं कभी भी ऐसे स्टडी नहीं कर सकते, हमें रेशियो की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हमने पी और एच को अपॉन वाली, ये रेशियो होती है बेटा, ये जो पी और अपॉन वाली फॉर्म को हम रेशियो कहते हैं। गॉट इट? ऐसे बी और एच को भी अगर हम लिखना चाहें तो बी बाय एच रेशियो की फॉर्म में। कभी भी दो लेंथ कंपेरेटिव स्टडी ऐसे लिख के ही की जाती है, रेशियो की फॉर्म में। यानी पी बाय एच थीटा पे इंपैक्ट डालती है, बी बाय एच भी थीटा पे इंपैक्ट डालती है, पी बाय बी भी। अब तीन अलग अलग रेशियोज हैं तो हम इनको नेमिंग कर देते हैं, बस नेम है, कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। साइन, जब भी साइन वर्ड यूज हो गया इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि पी और एच की लेंथ का इंपैक्ट थीटा पे स्टडी किया जा रहा है, यानी एंगल पे स्टडी किया जा रहा है। जब भी कॉज वर्ड यूज हो गया इसका मतलब बी और एच मिलकर थीटा पे किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, मैं इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। गॉट इट? और पी वाई बी यानी टेन, ये नेमिंग आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स की गई है, क्लियर है? जब भी टेन की बात हो हम समझ जाएंगे पी और बी और थीटा के बीच में रिलेशन को स्टडी किया जा रहा है। गॉट इट? अब सीधी सी बात ये आई, तो क्या हम सिर्फ पी बाय एच को स्टडी कर सकते हैं? क्या अगर हम इसके उल्टे को स्टडी नहीं कर सकते? ठीक है, तो हमने इसका एक और नाम रखा, साइन को जब हम रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन गया कॉससेक, ठीक है। और जब हमने बी बाय एच को, हमने बोला भाई एच बाय बी को भी तो स्टडी करना पड़ सकता है, एच को ऊपर रख के भी तो स्टडी करेंगे, तो ये हो गया सेक, ठीक है। ऐसे बी बाय पी बाय बी को जब हमने स्टडी करने के लिए बी बाय पी बनाया, उल्टा कर दिया, इसका नाम हमने रखा कॉट, क्लियर। बस आपको ये सिक्स जो नेम्स हैं वो माइंड में सेट करने हैं। अब ये याद करने का एक तरीका भी बता देता हूं आपको, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब कोई बच्चा अगर सिर्फ साइन लिखता है तो रॉन्ग है, यानी इधर साइन सिर्फ लिख दिया तो मैं क्या उससे क्या एनालिसिस करूंगा? हाँ, साइन थीटा है तो मैं समझ जाऊंगा भाई साइड्स का इस थीटा एंगल पे इंपैक्ट को स्टडी किया जा रहा है, समझ गए आप? तो ये थीटा, ये एंगल लगाना बहुत जरूरी होता है, कई बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, क्लियर। ये थ्री याद कर ली तो उसके बाद तो कॉससेक जो है इसका रिवर्स करना है, सेक रिवर्स है, सारे थ्री रेशियोज इसका उल्टा है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, सोना यानी गोल्ड, चांदी तोले, सोना चांदी तोले, टी फॉर तोलना, सी फॉर चांदी, एस फॉर सोना, ठीक है। सोना चांदी तोले, कौन तोले? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, यानी सोना चांदी तोलते हुए वो हर हर भी बोलता है। गॉट इट? तो बेटा इस तरीके से आप अपने माइंड में इस फॉर्मूले को रख सकते हो, ठीक है, याद रखने का तरीका है। और बाकी इसके रिवर्स आपको जरूर माइंड में रखेंगे, पढ़ेंगे, साइन का उल्टा कॉससेक होता है, तो कॉससेक जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो बेटा इनके रिवर्स जो कि मैंने लिखे हैं वो आपको साथ में जरूर माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। होगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे भी, ठीक है, और जहां जहां पे जो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले होंगे वो आपको बताते रहेंगे। बाकी बेटा प्रैक्टिस से ही कुछ होगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगती है बताया करो। थैंक यू।